तो हे एवरीवन, मैंने एक दुपट्टा मंगाया था, चलिए देखते हैं। सुबह सुबह बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो 6:30 हो गए और तो मैं किचन में काम कर रही थी ना, मैं टाप नहीं कर रही थी, इसीलिए हो गया सारा काम, बस अभी करेंगे। तो देखिए बाहर पानी आने के फुल मूड में और गिर भी रहा है थोड़ा थोड़ा, कितना देर तभी भी तो बहुत टाइम, या फिर गिरने के पहले चले जाओ, हल्का हल्का तो गिर पानी गिरेगा बाहर, पूरा अंधेरा एकदम। चलो चलो देखो तो कैसे अंधेरा है पूरा एकदम, बापरे। छाता नहीं लगेगा, बट हल्का फुल्का गिर रहा है, इतना देर में फटाक से पापा पहुंचे। बैठोगे दोनों तरफ, बैठो बैठो, बाय बाय। तेज गिर रहा है, जल्दी भगाओ, बाय। तेज भगाते नहीं बनेगा गाड़ी, इसलिए छाता मैं ले ली। वो लोग बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन फुल अंधेरा है मौसम। चलने का जो नतीजा होता है, पतिदेव अपना फोन भी भूल गए और अपना बैग भी भूल गए, अब पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, उनको याद नहीं होगा कि नहीं। जस्ट मैंने फोन किया कि बैग भूल गए, वो बैग अभी देख रही हूँ तो फोन लगाया तो फोन भी भूल गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्कूल बस आने का टाइम हुआ, इतनी जोरों की बारिश, देखिए उधर तो पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, एंड पतिदेव पहुंचे कि नहीं उसका भी नहीं पता, इतनी तेज बारिश हो रही है। मतलब स्कूल का टाइम पार हो जाता फिर होती है, एटलीस्ट तो समझ में भी आता। देखिए एंड जो बादल गरज रहे वो अलग। तो बना रही हूँ मैं आज, जैसे कि गुरुवार है तो सादा ही बनेगा, तो आलू बरबट्टी की भुजी है एंड दाल बनाती हूँ कि सोयाबीन, देखते हैं। हाँ राखी वाला, तो मैंने उनको पूछा भैया हैवी में रखे हो, तो बोले हाँ, जाके देखूँ तो एक भी हैवी राखी नहीं है। तो एंड उस दिन रायगढ़ भी गई थी, तो मतलब मैंने देखा एक दो शॉप तो कुछ खास नहीं थी, बोले मतलब एक ही लेनी है थोड़ी अच्छी सी, मतलब कुछ उस टाइप में, तो देखते हैं अगर एक और रायगढ़ चले गए एक आध बार और, तो नहीं तो फिर जैसी मिले उसी से काम चलाना पड़ेगा। दीदी वहाँ के खा पी के चले गए शॉप, 11:10 हो रहा है अभी। उनको ज़्यादा वीडियो में लेती नहीं क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये ताम झाम ब्लॉगिंग एंड ऑल, बोलते तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे को ये सब मत घसीटना, उनका कहना ये है। तो मैं बोलती हाँ लेकिन मेरे को भी मत रोकना, तो वो नहीं बोलते कि मत बनाओ ये और वैसे करके। तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मतलब मेरा टाइम पास नहीं होता, मेन तो ये हो जाता है एकदम अकेले अकेले। अभी थी का 6:30 बजे की गई है, कहाँ 3 बजे आएगी, तो ये भी गए हैं तो अभी फिर ये 1:30-2 बजे आएंगे, आएंगे खाएंगे पियेंगे फिर उसको लेने जाएंगे, ऐसे हो जाता है, तो मेरा टाइम सही चलेगा। फिलहाल तो मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी, दाल बॉईल हो जाती है उसके बाद सो जाऊंगी, उसके बाद 1 बजे 2 बजे जब भी उठूँ फिर दाल को तड़का लगाऊंगी और चावल चढ़ा दूंगी गर्म गर्म। तो हे एवरीवन, मैंने एक दुपट्टा मंगाया था, चलिए देखते हैं कैसा आया। अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है, 9 रुपए का है, लेकिन ये पन्नी जैसे काट रहा हूँ रिटर्न नहीं होगा, ट्रैफिक क्यों काट रहे हो तुम, जान नहीं चल हाजी होगा क्या करें, अभी तो ये चुन्नी कड़ी है। लालो लाल लाल, ये तो पिंक दिख रहा है, लालो लाल। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा ही है, कपड़ा कैसा है, बहुत बड़ा है था, 2.2 मीटर बताया था, काफी बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा है, देखिए कॉटन एंड सिल्क का मिक्सचर है लेकिन सॉफ्ट है, देखिए पूरा, बस आई विश कि धोने से इसमें कलर ना निकले, एंड बहुत ही लंबा है, मैं हाइटेड हूँ वही हिसाब से, देखिए बहुत लंबा, 2.2 मीटर का था तो उतना ही आया है। क्या का चॉकलेट, अच्छा इंग्लिश में, तो सबको मिलेगा, सबका नंबर तो आया है ज्यादा, तो पहले अंदर आ जाओ, किसी किसी
का था आते आते निकल कर हमने एकदम पानी भरा पैर रखे उधर पूरा जूता के अंदर मोजा गिरा हुआ है उसको मैंने मोजा निकाल कर जूता पहन के देखे कौन दो तीन लोग फोन आ रहा 5 क्वेश्चन आंसर हो गया कल 5 होगा फिर मिसिंग खत्म और मम्मी 1 से लेके मैथ में 1 से लेके 7 तक चेक करेंगे प्रीवियस इवन में 7 तक ही आएगा क्या पढ़ाए इवन में और न्यू चैप्टर 7 का टीचर समझा और हिंदी में तो टीचर उनका लास्ट पीरियड था ना और एक तो फिर तो हिंदी में टीचर ना सब लोग आग बंद करो फिर वो बोलती जाएंगी हेलो मन में वो हमें ख्याल आ जाएंगे बट क्या था मेरे को तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है बिल्कुल भी क्या करा रहे थे बोल रहे थे टीचर ना पहला पीरियड में टीचर वो संज्ञा वाला करवाई मतलब संज्ञा वाला करवाई मन नहीं मतलब दूसरा चैप्टर शुरू करवाई फिर ना बाद में बोली कि जब बेल बज गई मैं तुम लोगों ने खा खिलाऊंगी मस्त अच्छी जगह घुमाऊंगी हर लोग टीचर बोले मैं टीचर बोले टीचर ख्यालों में ना तो टीचर बोली नहीं फिर आके देखी तो वही करवा चिपकाया गया मतलब वो पिन लगा के चिपकाया गया ऊपर तो किसका सबसे अच्छा बना टीचर ना मेरे को बोल रही थी और मतलब अभी ब्लैक बोर्ड भर गया फिर टीचर देख के बोली ना अरे इतना अच्छा बना के लाए और चिपकाना तो जरूरी है फिर टीचर ने चिपकाई तो यहाँ पर मैडम जी बैठ गई है दाल भात और पहले हम दोनों की लड़ाई तो लड़ाई तो होगी आपका जो नाटक हो गया है स्कूलर्स यहीं पड़ी है मैंने उठाऊंगी तो नहीं उठने वाले तो खा के सीधे फोन लेके बैठ गई तभी गए 3:30 तो मैं चढ़ा देती हूँ चाय क्योंकि 4 बजे तक पतिदेव शॉप निकलेंगे नहीं तो चाय के चलते लेट हो जाते हैं चाय हो रही है हम लग जाते हैं अपनी काम की ड्यूटी पर देखिए बादल गरज रहे बहुत पता नहीं कहाँ पानी गिर रहा है एवरीवन देखिए मैडम सो चुके हैं मैंने बार बार मना किया मत सो एंड मुझे भी नींद आ रहा है एंड थोड़ा चक्कर नहीं आ रहा पता नहीं पतिदेव को अभी तक नहीं बताया कि मेरा सर घूम रहा है वरना दवाई ठुसा ठुसा के मेरे को कमजोरी हो कह लो ये खा लो वो खा उनका वैसे चलता है तो मैं नहीं बोलती हूँ उनको कुछ भी एंड अभी थोड़ा डाइट साइड कर रही हूँ तो डाइट में तो मतलब सर घूमना नॉर्मल है इसलिए उनके कान तक अभी गया नहीं है मुझे तो अभी 5:10 तो और 10 मिनट सोने देती हूँ दीदी को फिर उठाऊँ उठ के बच्चा गाना गाते गाते सोई थी ना आपने एकदम से बिस्तर से उठी बच्चा 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 सीधे मेन गेट मैं बोली कहाँ जा रही है नींद में बहुत बड़बड़ाती है अभी तो छूट ही गया है बोले 5 बज गया एंड अभी 5:30 हो रहा है मतलब 5 से मैं उठा रही हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उस रूम से आके इस रूम में आके सो गए पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी उठ के नींद में बच्चा 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 करके सीधा गेट पर मैं बोली ये लड़की कहाँ जा रही है ये मतलब थोड़ा करती है ऐसे बोलो नींद में बड़बड़ाती रहेगी अगर पढ़ाने का प्रेशर रहेगा तो नींद में उस दिन पढ़ती रहेगी ऐसे उसका नौटंकी चलता है तो जैसे ही डांट रही हूँ वैसे हिलना चालू कर दे रही है मेरे को दिखा रही कि नहीं मैं जगी हूँ फिर उसके बाद जैसे तैसे उठी फिर थोड़ा हम लोग बाहर घूमने गए तो देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था Paisham. Special days prepared on Monday, but the spelling is Onam. O-N-A-M. Onam. Moiz Dal. Special days prepared on Navrodar.
नवरोज। लंगर, लंगर का है क्या था फ्री, ठीक तो बोल रहे थे, बोलो फ्री मील सर्व इन गुरुद्वारे।